इसमें कितना समय लगता है इसमें कितना समय लगेगा इंग्लिश सीखने में कितना समय लगेगा आपको इंग्लिश बोलने में कितना समय लगा वहां पहुंचने में कितना समय लगेगा? हे दिस इज मुकेश वेल को इंग्लिश में बोलने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है सो यूर वॉचिंग यूएसन क्लासेस इंग्लिश थ्रू हिंदी सो पहले बात करते हैं कितना समय लगेगा इसके लिए हम लोग इंग्लिश में यूज करते हैं हाउ लॉन्ग या नहीं तो हाउ मच टाइम हाउ मच टाइम या हाउ लॉन्ग दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं अब देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को दोनों का स्ट्रक्चर अलग होगा पहले हाउ लॉन्ग का स्ट्रक्चर देखते हैं सबसे पहले लगाइएगा हाउ लॉन्ग उसके बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब जो भी टेंस रहेगा उसका हेल्पिंग वर्ब आएगा उसके बाद लगाएंगे ईट इट के साथ टेक वर्ब यहाँ टेक का यूज करेंगे उसके बाद हम लोग लगाएंगे कोई ऑब्जेक्टिव केस जैसे कि हिम मी अस डैम हर ये सब ऑब्जेक्टिव केस अगर नाउन आएगा तो नाउन भी लगा सकते हैं उसके बाद टू प्लस वर्ग का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में अदर वर्ड्स यदि आप हाउ मच टाइम से बनाइएगा तो उसके बाद लगाना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब फिर लगाएंगे सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद टेक टेक के बाद आप लोगों को लगाना पड़ेगा टू प्लस वर्ग का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में अदर वर्ड्स अब इस स्ट्रक्चर को बेटर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं तो आज का पहला सेंटेंस है इसमें कितना समय लगता है इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा हाउ मच टाइम डज इट टेक हाउ मच टाइम डज इट इन नहीं तो हाउ लॉन्ग डज इट टेक क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है नेक्स्ट सेंटेंस इसमें कितना समय लगेगा इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा हाउ लॉन्ग विल इट टेक हाउ लोंग विलेकोंग विलेक या नहीं तो हाउ मच टाइम विल इट टेक नेक्स्ट सेंटेंस इंग्लिश सीखने में कितना समय लगेगा सामने वाले से पूछ रहे हैं मतलब अपने बारे में तो इस सेंटेंस के लिए आप कह सकते हैं हाउ लॉन्ग विल इट टेक मी टू लर्न इंग्लिश हाउ लॉन्ग विल इट टेक मी टू लर्न इंग्लिश यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है मी क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर मैं है तो यहाँ मैं का ऑब्जेक्टिव केस आएगा इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं हाउ मच टाइम विल आई टेक टू लर्न इंग्लिश How much time will I take to learn English? English? यहाँ पर subjective case आया Next sentence,

या नहीं तो आप कह सकते हैं हाउ मच टाइम विल बी टेक टू रिच देयर हाउ मच टाइम विल बी टेक टू रिच देयर गायच इससे जुड़े मैं आपको एक संडेश दे रहा हूँ उसको ट्रांसलेट कीजिए कमेंट बॉक्स में इफ यू मेक एनी मिस्टेक देन दैन करेक्ट इट गायच आपको वीडियो कैसी लगी अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकोन को भी हिट कर ले ताकि मेरा रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो